हेलो माय डियर फ्रेंड्स अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है यूपी ट्रिपल त्रिपल अस्सी पी का आज हम लोग मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर टू लेकर आए हैं जिसका टॉपिक का नाम है अपना औसत इसके पहले हम लोगों ने पूर्ण संख्या का टॉपिक को कंप्लीट कवर कर चुके हैं ये आपका एक जनरल प्रैक्टिस सेट है ताकि जब भी आप एग्जाम में जाएँ तो आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहें और आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकें उसके साथ साथ हम आपको एक प्रारूफ दे रहे हैं ताकि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम में बिना किसी झिझक के उन क्वेश्चंस को समझ करके अपना पाँच नंबर पक्का कर सकें ठीक है तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यदि ए और बी का औसत ए अपॉन एन प्लस वन ए के पावर एन प्लस वन प्लस बी के पावर एन प्लस वन अपॉन ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन हो तो एन का मान कितना होगा तो सबसे पहले आपको पता है कि ए और बी का औसत कितना होगा ए और बी का औसत अगर आप निकालें ए और बी का औसत तो ए और बी का औसत आपका कितना आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू ए प्लस बी अपॉन टू आ जाएगा अब हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से ही सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा ठीक है तो सबसे पहले अपना ऑप्शन ए को चेक करते हैं कितना जीरो रख के चेक करते हैं तो जीरो आप इक्वेशन में रखेंगे एन की जगह पे जीरो अगर एन की जगह पे आप जीरो रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए के पावर जीरो प्लस वन प्लस बी के पावर जीरो प्लस वन अपॉन ए के पावर, पावर जीरो प्लस बी के पावर जीरो ये कितना बन गया ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन अपॉन ए के पावर जीरो प्लस बी के पावर जीरो ये आपका क्या हो जाएगा आपको पता है किसी के भी पावर वन होता है तो सेम होता है यानी ए प्लस बी किसी भी के अगर किसी भी संख्या के पावर जीरो होता है तो उसको क्या लिखते हैं वन यानी वन प्लस वन कितना हो गया टू हो गया ए प्लस बी बाई टू यानी कि यहाँ से आपका जो ए के पावर जीरो होता है उसका वन होता है तो आपका ये आंसर जो है संतुष्ट होता है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल और करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पांच परिणामों का औसत 46 है वह पहले चार परिणामों का औसत 45 है पांचवा परिणाम क्या होगा इससे इजी क्वेश्चंस हो ही नहीं सकता देखिए पांच परिणामों का औसत आपका पांचों का कितना दिया हुआ है पांचों का आपको छियालीस दिया हुआ है और उसके बाद पांच परिणामों का योग यहाँ से निकाल सकते हैं पैंतालीस छियालीस गुड़े पाँच आपका कितना आ जाएगा दो सौ तीस आ जाएगा ठीक है अब पहले चार परिणामों का औसत कितना दुआ है पहले चार का पहले चार का आप निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पैंतालीस है और इनका योग कितना हो जाएगा पहले चार का योग कितना हो जाएगा पैंतालीस गुड़े चार कितना आ गया आपका आपका आ गया एक सौ अस्सी अब पाँचवा परिणाम निकालने के लिए आप टोटल में से चार को माइनस कर दीजिए आपका जो पाँचवा बचा है वो निकल जाएगा यानी कि दो सौ तीस माइनस एक सौ अस्सी करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा पचास यानी ऑप्शन कौन से होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा ठीक है चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरह परिणामों का औसत सत्तर है प्रथम सात का औसत पैंसठ है और अंतिम सात का औसत पचहत्तर है सातवां परिणाम क्या है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे पहले तेरह परिणामों का औसत सत्तर है यानी तेरह का योग क्या होगा पहले तेरह का योग पहले तेरह का योग देख लेते हैं पहले तेरह का योग कितना होगा पहले का तेरह परिणामों का औसत सत्तर है तो यानी इसका योग हो जाएगा सत्तर गुड़े तेरह सत्तर गुड़े तेरह ये कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा नौ सौ दस ठीक है अब क्या करते हैं कि प्रथम सात परिणामों का योग देखते हैं तो पहले सात का देख लीजिए पहले सात का योग जो आपका होगा कितना होगा पहले सात का पैंसठ गुड़े सात ये कितना हो जाएगा चार सौ पचपन इसके बाद अंतिम सात का देख लेते हैं अंतिम सात का अंतिम सात का आपका औसत कितना होगा अंतिम सात का आपका पचहत्तर दिया हुआ है पचहत्तर गुड़े सात यानी कि आपका कितना आ जाएगा पाँच सौ पच्चीस ठीक है आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि तेरह है कुल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये पहली बार में क्या किया है पहली बार में आप देखेंगे तो ये कितना लिया है सात ले लिया है एक दो तीन चार पाँच छः सात सात को ले लिया है पहले सात को लिया है और उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट बार में क्या किया है वो अंतिम सात को लिया यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात या बीच वाला देखेंगे तो दो बार हो जा रहा है यानी कि रिपीट हो जा रहा है तो यही क्या होगा हमारा इंडिविजुअल निकालने पे यही दोनों में से अधिक आएगा तो यानी अगर हम टोटल में से दोनों को घटा दें दोनों को जोड़ करके टोटल घटा दें तो क्या आ जाएगा जो संख्या बीच में रिपीट हो रही है उसका हम लोग को वैल्यू पता चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है चार सौ पचपन चार सौ पचपन प्लस पाँच सौ पच्चीस माइनस आप कर दीजिए 910 सौ दस टू आपका यही ऑप्शन है क्या हो जाएगा 980 हो जाएगा इसका आप ऐड करेंगे पांच सुनना, पाँच पाँच दस शून्ना पाँच दो सात एक आठ चार पाँच नौ माइनस नौ सौ दस कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा सेवेंटी तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ग्यारह परिणामों का औसत पचास है यदि प्रथम छः परिणामों का औसत उनचास है तथा अंतिम छः का औसत बावन हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए सेम और सेम पिछला क्वेश्चन है तो इसको आप अपने से ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके जल्दी से ट्राई करिए चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तो ग्यारह परिणामों का औसत आपको पचास दिया यानी इनका योग कितना होगा ग्यारह गुड़े पचास तो इनका योग आपका कितना हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पाँच सौ पचास ठीक है पाँच सौ पचास हो जाएगा प्रथम छः का परिणाम कितना होगा कि इनका योग हो जाएगा छः गुड़े उनचास और अंतिम छः का कितना हो जाएगा छः गुढ़े बावन ठीक है तो आपका कितना आ जाएगा छः गुड़े आप उनचास करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा दो सौ चौरानबे और जो छः गुड़े बावन करेंगे तो आपका आ जाएगा तीन सौ बारह यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करके टोटल में से घटा टोटल को घटा देंगे तो आपका जो बीच वाला संख्या है जो रिपीट हो रहा है वो आ जाएगा तो यहाँ पे करिए दो सौ चौरानवे प्लस तीन सौ बारह माइनस पाँच सौ पचास ये कितना आ जाएगा आपका चार दो छः नौ एक दस दो तीन पाँच एक छः सौ छः माइनस पाँच सौ पचास ये आपका टोटल आ जाएगा छप्पन यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपका जो छठवां दिया है यदि पांच क्रमिक संख्याओं का औसत तैंतीस है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो उनमें हम आपको एक्स से भी दिखा देते हैं आपको हम ये भी बता देते हैं कि आप डायरेक्टली इन ऐसे प्रश्नों को देख उत्तर मार सकते हैं चाहे यहाँ पे क्रमिक संख्या दिया हो चाहे क्रमिक सम संख्या हो क्रमिक विषम संख्या हो आप देख करके आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप आंसर कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एक्स के तौर पे कि कैसे नॉर्मली निकाला जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं मान लीजिए पांच क्रमागत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी एक अगर आपका एक्स होगा तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा तीसरा आपका एक्स प्लस टू होगा चौथा क्या होगा आपका एक्स प्लस थ्री होगा पांचवा चौथा क्या हो? एक्स प्लस थ्री हो गया पांचवा क्या होगा एक्स प्लस फोर हो गया तो आपको कितनी संख्याएं पूछी हैं पांच क्रमिक संख्याएं ये पांच क्रमिक संख्याएं हो गई ठीक है पाँच क्रमिण संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है औसत तैंतीस दिया हुआ है तो इसको तैंतीस के बराबर कर दीजिए तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए हैड कर देते हैं सबको एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू थर्टी थ्री यहीं आपका दिया हुआ है ये टोटल कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच एक, एक्स फाइव एक्स प्लस, प्लस वन टू वन थ्री थ्री सिक्स प्लस फोर टेन फाइव एक्स प्लस टेन अपॉन फाइव इज इक्वल टू थर्टी थ्री दिया हुआ है ठीक है तो आप फाइव उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा फाइव एक्स फ़ाइव एक्स इज इक्वल टू तैंतीस का इधर पाँच से गुड़ा करेंगे कितना आएगा एक सौ पैंसठ टेन को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे कितना आएगा माइनस टेन यानी फाइफ एक्स बराबर वन फिफ्टी फाइव तो x बराबर 155 फिफ्टी फाइव फाइव अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा पाँच तीन पंद्रह पाँच एक कम पाँच एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक्स की वैल्यू आ गई आपकी इकतीस एक्स की वैल्यू इकतीस यहाँ पे आपको सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी संख्या होगी एक्स प्लस फोर है ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है एक्स प्लस फोर तो इकतीस में अगर आप एक्स प्लस फोर करते हैं कितना आ जाएगा पैंतीस ये आपका क्या होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन एक नाव में दस नाविकों में से छप्पन की भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है नए नाविक का भार कितना होगा भाई ये भी आपका एक ईजी क्वेश्चन है देखिए तो सबसे पहले जो मान लीजिए कि नाविक का भार कितना था मान लीजिए नाविक का भार एक्स था नाविक का भार कितना था हमें नहीं पता कि नाविक का भार कितना है एक्स है तो जो छप्पन भार के स्थान पर छप्पन के ग्रह भार के स्थान पर जो नया नाविक आता है तो उसके आने से 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है तो नए नाविक का भार कितना होगा पहले तो छप्पन होना चाहिए ठीक है प्लस क्या होगा सब में यानी दसों में कितने की वृद्धि कर रहा है आठ ग्राम की वृद्धि कर रहा है ठीक है आठ ग्राम 800 ग्राम की वृद्धि कर रहे हैं क्या हो जाएगा छप्पन प्लस आठ ठीक है ये 8000 ग्राम है तो 8000 ग्राम बराबर एक किलोग्राम एक की जो एक किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है एक हज़ार ग्राम होता है ठीक है तो यानी आठ आठ सौ आठ हज़ार ग्राम बराबर कितना हो जाएगा छप्पन यानी ये छप्पन प्लस आठ किल, किलोग्राम ठीक है आठ किलोग्राम तो कितना हो जाएगा छप्पन आठ चौंसठ ठीक है तो आपका कौन सा चौसठ किलोग्राम तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पचास अभ्यर्थियों की एक कक्षा में औसत अंक बहत्तर है इस कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः सत्तर क्रमशः सत्तर और पचहत्तर है यहाँ पे आपका मिस प्रिंट हो गया है सत्तर और पचहत्तर हो तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए चलिए इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं आप एक्स मानेंगे तब भी लग जाएगा आप मिश्रण के नियम से भी लगा सकते हैं तो जहाँ पे भी आपका एक में एक साथ दिया हो और दोनों अलग अलग दिया हो तो वहाँ पे आप मिश्रण लगा करके आसानी से क्वेश्चंस को एक मिनट में सॉल्व कर लिया करिए तो यहाँ पे मान लीजिए लड़कों का औसत कितना है बॉयज़ का और यहाँ पे गर्ल्स का ठीक है और यहाँ पे दोनों तो बॉयज़ का कितना है बॉयज़ का आपका सत्तर है और गर्ल्स का कितना है पचहत्तर लड़के लड़कियों का सत्तर और पचहत्तर है और आपका जो औसत अंक कितना दिया हुआ है बहत्तर दिया हुआ है तो यहाँ से आप एक रेशियो निकाल लेंगे आपका रेशियो कितना आएगा यहाँ से पचहत्तर माइनस बहत्तर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा थ्री सत्तर माइ बहत्तर माइनस सत्तर कितना आ जाएगा दो यानी तीन रेशियो दो दिया हुआ है तीन रेशियो को दो के समान अनुपात में दिया हुआ है तीन क्या है तीन रेशियो दो आपके तीन लड़के हैं तो दो लड़कियाँ हैं तो यहाँ से अगर आप यहाँ से मिश्रण से उनका पर्स यानी रेशियो निकाल लेते हैं तो आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं देखिए कैसे इनका अनुपात हो गया लड़कों और लड़कियों का अनुपात तीन रेशियो दो है तो यहाँ से लड़कों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करिए टोटल संख्या पचास है पचास गुड़े तीन बटे पाँच कितना करेंगे पचास गुड़े तीन बटे पाँच यानी कितना आ जाएगा पाँच दहा में पचास तीन दहन तीस ये आपकी लड़कों की कि संख्या कितनी है लड़कों की संख्या आपकी टोटल कितनी है तीस है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पंद्रह संख्याओं का औसत एक सौ अट्ठारह है पहली पांच संख्याओं का औसत बानवे है तथा अगली सात संख्याओं का औसत एक सौ बीस है तेरहवीं संख्या चौदहवीं संख्या से चौदह अधिक है लेकिन पंद्रहवीं संख्या से तेरह कम है पंद्रहवीं संख्या से तेरह कम है तेरहवीं और पंद्रहवीं संख्याओं का औसत क्या होगा ठीक है ये एक अच्छा क्वेश्चन है चलिए चलिए सबसे पहले हम मानिए मानते हैं हम देखिए मान लिए मान लीजिए आपका जो चौदहवा संख्या है चौदहवा संख्या क्या है चौदहवा संख्या माना जो हमारी चौदहवीं संख्या है वो क्या है चौदहवीं संख्या हमारी x है ठीक है चौदहवीं संख्या बराबर x, तब तेरहवीं संख्या क्या हो जाएगी तब आपकी जो तेरहवीं संख्या हो जाएगी तेरहवीं संख्या जो हो जाएगी आपकी तेरहवीं संख्या क्या हो जाएगी x प्लस फोर्टीन हो जाएगी ठीक है इसके बाद आपकी पंद्रहवीं संख्या क्या हो जाएगी तब तब यहाँ से पंद्रहवीं संख्या जो भी होगी पंद्रहवीं संख्या क्या हो जाएगी x प्लस ट्वेंटी सेवन ठीक है अब यहाँ पे जो प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे कि पंद्रह संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है पंद्रह संख्याओं का योग हो जाएगा आपका टोटल जो पंद्रह संख्याएँ दी हैं पंद्रह संख्याओं का योग पंद्रह संख्याओं का योग पंद्रह संख्याओं का योग आपका कितना हो जाएगा पाँच गुड़े बानबे ठीक है पाँच गुड़े बानवे क्योंकि पहली पांच संख्याओं का औसत कितना है बानवे है प्लस सात गुड़े एक सौ बीस क्योंकि अगली सात संख्याओं का औसत कितना है एक सौ बीस है इसमें तेरहवीं चौदहवीं और पंद्रहवीं संख्या को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे कौन सा तेरहवीं लिख देंगे तेरहवीं प्लस चौदहवीं प्लस पंद्रहवीं इनको ऐड कर देंगे तो हमारा संख्या आ जाएगा ठीक है तो यहाँ क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा पंद्रह गुड़े एक सौ अट्ठारह ठीक है पंद्रह गुड़े एक सौ अट्ठारह बराबर चार सौ साठ प्लस आठ सौ चालीस पंद्रह गुड़े एक सौ अठारह क्योंकि पता है ना क्योंकि पंद्रह संख्याओं का आपका टोटल औसत जो दिया है एक सौ अट्ठारह दिया है तो जो टोटल संख्या हो जाएगा पंद्रह गुड़े एक सौ अट्ठारह हो जाएगा ठीक है यहाँ से आप पाँच गुड़े बानवे करेंगे तो छः सौ साठ आएगा उसके बाद आपका जो एक सौ बीस गुड़े सात करेंगे आठ सौ चालीस आएगा यहाँ पे हमने तेरहवीं संख्या को एक्स माना है तो क्या लिख लेंगे एक्स लिख लेंगे सिंपली प्लस एक्स प्लस आपका जो चौदहवीं संख्या है एक्स प्लस चौदह है तो एक्स प्लस चौदह आपका जो पंद्रहवीं संख्या है एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन तो ये आपका टोटल योग के बराबर आ जाएगा ये आपका आ जाएगा सत्रह सौ सत्तर इज इक्वल टू इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा तेरह सौ इकतालीस प्लस आपका आ जाएगा थ्री एक्स वन टू थ्री थ्री एक्स ठीक है तो आप थ्री एक्स बराबर देख सकते हैं सत्रह सौ सत्तर माइनस तेरह सौ इकतालीस तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा एक्स बराबर चार सौ उनतीस बटा तीन बराबर एक सौ तिरालीस एक सौ तिरालीस आ गया अब आप यहाँ से आसानी से तेरहवीं और पंद्रहवीं संख्या का औसत फाइंड कर सकते हैं कैसे देखिए यहाँ पे आपका हो सकता है चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इेंज कर लेते हैं आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए ठीक है चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग तेरहवीं और पंद्रहवीं संख्या का औसत हम क्या करेंगे टू एक्स प्लस फोर्टी वन अपॉन टू ठीक है तो ये कितना आ जाएगा आपका टू इंटू वन फोर्टी थ्री वन फोर्टी थ्री प्लस फोटी वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू वन फोर्टी थ्री आपका तो यहाँ पे वन फोर्टी थ्री रख दिए आ जाएगा आपका थ्री ट्वेंटी सेवन अपॉन टू यानी कि वन हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ठीक है कितना गया? 163 आ गया वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री एंड फाइव आ गया तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी सी जो आपका है बिल्कुल सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दस संख्याओं के एक समूह का औसत चौदह से घटकर ग्यारह हो जाता है जब संख्या पैंतीस को उसमें से निकाल दिया जाता है मूल समूह में कितनी संख्याएं थीं तो यहाँ पे संख्याओं संख्याएं पूछ रहे हैं कि वहाँ पे टोटल मूल संख्याएं थी कितनी ठीक है तो मान लीजिए कि जो समूह में कुल संख्याएँ थी कितनी थी मान लेते हैं हम जो समूह में टोटल संख्याएँ थी वो एक्स थी कितनी थी एक्स थी तो x संख्याओं का योग कितना हो जाएगा इनका योग कितना हो जाएगा टोटल का अगर x संख्या है तो इनका योग कितना हो जाएगा चौदह एक्स हो जाएगा ठीक है प्रश्नानुसार अगर हम निकालें क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि एक संख्या पैंतीस निकालने पर शेष संख्या क्या बचती है शेष संख्या बचती है एक्स माइनस वन हो जाता है ठीक है उसके बाद शेष संख्याओं का योग कितना हो जाएगा शेष संख्याओं का योग जो आपका हो जाएगा शेष संख्याओं का योग कितना होगा ग्यारह गुड़े एक्स माइनस वन हो जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है चौदह एक्स चौदह एक्स माइनस ग्यारह एक्स माइनस वन इज इक्वल टू पैंतीस दिया हुआ है आपका ठीक है यहाँ पे कितना हो जाएगा चौदह एक्स माइनस ग्यारह एक्स प्लस ग्यारह बराबर पैंतीस हो जाएगा तो आपका थ्री एक्स बराबर थ्री एक्स बराबर पैंतीस माइनस ग्यारह ये आपका पैंतीस माइनस ग्यारह कितना हो जाएगा थ्री एक्स बराबर ट्वेंटी फोर यहाँ पर आपका ट्वेंटी फोर हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या निकलेगा आठ यानी कि प्रारंभ में कितनी संख्याएँ थी प्रारंभ में आपकी थी टोटल और टोटल आठ संख्याएँ तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्यारहवां जो है आपका फिर से ये ट्रिकी क्वेश्चन है देखिए एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर एन प्लस फाइव का औसत है तो इनका औसत कितना हो जाएगा इनका औसत आप सिंपली क्या कर देंगे इनको ऐड करके अपॉन कितनी संख्याएँ छः संख्याएं तो अपॉन सिक्स कर देंगे ऐड कर लीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम एन एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू प्लस एन प्लस थ्री प्लस एन प्लस फोर प्लस एन प्लस फाइव तो ये छः संख्याएँ छः संख्याओं का औसत निकालने के लिए उनका सम अपन टोटल नंबर कर देते हैं तो ये कितना जाएगा आपका एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स एन सिक्स एन प्लस टू वन थ्री थ्री सिक्स फोर टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन अपॉन सिक्स ये देखिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स एन प्लस फिफ्टीन अपॉन सिक्स हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका सिक्स एन अपॉन सिक्स प्लस फिफ्टीन अपॉन सिक्स ये आपका यहाँ पे ये इसके अपॉन लिख सकते हैं इसको इसके अपॉन लिख सकते हैं आपको ये रूल पता होगा ठीक है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे जो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से आप सॉल्व करिए यहाँ से आप सॉल्व करने पे आप पाएंगे एन प्लस फाइव बाई टू ठीक है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री का औसत चौदह है एक्स टू और एक्स थ्री का योगफल फल का दोगुना पचास है तो एक्स वन का मान क्या होगा देखिए शब्दों में उलझाने की कोशिश किया है तो यहाँ पे आप, आप, आप उलझिए मत सबसे पहले देखिए कि एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री का औसत कितना है चौदह है तो आप लिख लीजिए एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इनका जो औसत है कितना है चौदह है ठीक है अब इनका औसत आपको पता है तो ये कितना हो जाएगा x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर बयालीस हो जाएगा ठीक है ये आपका कितना हो गया बयालीस हो गया अब प्रश्न में दिया है कि जो x2 और x3 का योगफल का दोगुना है वो पचास है यानी जो आपका टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री है वो कितना है वो आपका है पचास तो यहाँ से एक्स टू प्लस एक्स थ्री निकल सकता है यहाँ से x2 टू प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे दो हो जाएगा आप पुराने वाले क्वेश्चन में रख दीजिए x2 टू प्लस एक्स को x2 टू प्लस एक्स को रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x1 वन बराबर बयालीस माइनस पच्चीस कितना हो जाएगा आपका सत्रह आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा पांच खुमानियों का औसत भार 200 ग्राम है यदि दो और खुमानियों को शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 210 ग्राम हो जाता है दोनों नए खुमानियों का औसत भार कितना हो गया यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा दो लोगों को ऐड किया जा रहा है ठीक है तो पांच पहले पांच जो थे उनका ऑलरेडी आपको पता है कि कितना था दो ग्राम था इसके बाद आपको दो और ऐड किए जाते हैं सबसे पहले जो पहले पाँच थे पहले पाँच थे उनका कितना हो जाएगा पहले जो पाँच थे उनका औसत हो जाएगा दो सौ बुढ़े पाँच बराबर एक हज़ार ग्राम जो पहले पाँच थे उनका जो औसत भार हो जाए उनका टोटल भार हो जाएगा कितना हो जाएगा एक हज़ार ग्राम हो जाएगा अब सात खुमानियों का औसत भार कितना हो जाएगा आपको ऑलरेडी दिया है दस ग्राम बढ़ गया है तो टोटल सात का कितना हो जाएगा दो सौ दस गुड़े, सात बराबर चौदह सौ सत्तर ग्राम यानी ये कितना अपने साथ ले के आए हैं यही चार सौ सत्तर ग्राम तो ये अपने साथ लेकर आए हुए हैं तो ये चार सौ सत्तर ग्राम लेकर आए हुए हैं यानी कितना हो जाएगा चार सौ सत्तर बटे दो कर दीजिए यानी दोनों का इंडिविजुअल निकल जाएगा दो सौ पैंतीस ग्राम ठीक है तो ये सारे इजी क्वेश्चन हैं ये आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 235 ग्राम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दस प्रेक्षणों का माध्य तिरपन है गलती से एक प्रेक्षण में पैंतालीस को चौवन लिख दिया गया परिवर्तित सही माध्य क्या होगा इसका कहने का मतलब है कि दस संख्याएं दी थी उनका जो औसत दिया हुआ था कितना था तिरपन था लेकिन गलती से गलती से क्या हुआ कि 45 को चौवन लिख दिया गया तो यहाँ से पूछ रहा है कि जो हमारा परिवर्तित सही क्या होगा वो बताइए तो आप अगर चौवन में से 45 को घटाएं कितना बचेगा नौ ठीक है तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा जो सही माध्य होगा कितना होगा तिरपन में से आप घटा दीजिए कितना घटाएँगे चौवन माइनस पैंतालीस बटा दस इसको आप घटा दीजिए आसानी से कितना आ जाएगा तिरपन माइनस नौ बटा दस बराबर तिरपन माइनस जीरो पॉइंट नाइन इज इक्वल टू बावन दशमलव दस, दस आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तो ये सारे आपके एकदम इजी क्वेश्चन हैं इसको आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पच्चीस छात्रों की एक कक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का मध्यमान तिरालीस था जांच करने के बाद दो त्रुटियों का पता चला जिनको शुद्ध करने के पश्चात एक छात्र के पैंतीस अंक बढ़ गए तथा एक छात्र के दस अंक कम हो गए यानी शुद्ध मध्यमान ज्ञात कीजिए यानी टोटल में आप देख सकते हैं एक में पैंतीस बढ़ा है और दूसरे में दस कम हुआ है यानी टोटल वृद्धि कितनी हुई है टोटल इसमें कितना बढ़ा है पच्चीस अंक बढ़ा हुआ है ठीक है पच्चीस अंक आपका बढ़ा हुआ है तो पच्चीस अंक क्या होगा पच्चीस अंक पच्चीसों छात्र में बटेगा तो तिरालीस के बजाय चौवालीस हो जाएगा ये तो आप डायरेक्ट ऐसे देख कर कर सकते हैं अब देखिए बाईस सही सॉल्यूशन आपका कितना होगा ठीक है तो आपका जो छात्रों का शुद्ध मान औसत मध्यमान कितना था जो टोटल सभी छात्र थे उनका औसत मान था पुराना देखिए छात्रों का शुद्ध औसत कितना होगा सबसे पहले अब ये निकालते हैं तो पुराना जितना भी पुराना औसत था प्लस यहाँ पे फॉर्मूला आप याद रखिएगा बढ़ा अंक बढ़ा अंक प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे होगा माइनस कम हुआ अंक कम हुआ अंक अपन कुल छात्रों की संख्या यानी टोटल जो छात्रों की संख्या है तो यहाँ पे कितना है तिरालीस है प्लस कितना बढ़ा हुआ अंक है आपका बढ़ा हुआ अंक है पैंतीस और कम हुआ कितना अंक है आपका कम हुआ अंक है दस ठीक है अपन जो आपका टोटल संख्या कितनी है छात्रों की पच्चीस संख्या तो नीचे पच्चीस हो जाएगा ये हो जाएगा तिरालीस प्लस पच्चीस बटा पच्चीस यानी कितना हो जाएगा पच्चीस बटा पच्चीस बराबर एक हो गया यानी तिरालीस एक चौवालीस इस प्रकार से भी आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और वहां से आप कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं जितना मतलब कि बढ़े या कम होगा उस सब में उसके औसत से बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए वहीं आपका ऑप्शन होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोलह देखिए पांच संख्याओं का अंक गणितीय माध माध्य सत्ताईस है, मा, है यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य पच्चीस हो जाता है हटाई गई संख्या कितनी होगी देखिए पांच संख्याओं का औसत माध्य सत्ताईस है यानी पांचों का औसत सत्ताईस है तो पांचों का योग कितना होगा पांचों का योग आपका यहाँ से निकाल लीजिए पांचों का योग आपका हो जाएगा पाँच गुड़े सत्ताईस पाँच गुड़े सत्ताईस कितना होता है एक सौ पैंतीस ठीक है अब यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य पच्चीस हो जाता है तो एक संख्या हटा देने पर माध्य दे कितना हो जाता है पच माध्य आपका हो जाता है पच्चीस तो शेष चार संख्याओं का कुल योग हो कितना होगा पच्चीस गुढ़े चार बराबर सौ तो आपकी कौन सी संख्या निकलेगी पहले एक सौ पैंतीस थी एक संख्या के जाने के बाद कितना बचा सौ बचा यानी कि कौन सी संख्या गई है एक सौ पैंतीस माइनस सौ बराबर पैंतीस कितना आसान था ठीक है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक से दस तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा एक से दस तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक से दस तक की संख्याएं लिखेंगे कौन कौन सी होती हैं दो चार छ आठ दस यही होती हैं दो और दस के बीच की सम संख्याएं तो ये आपकी सम संख्याएं हो गई अब क्या पूछा है जब संख्याओं में अंतर समान हो संख्याओं में अंतर समान हो तो तब समांतर माध्य कितना होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो होता है ठीक है ये आप याद रखिएगा तब आपका जो समांतर माध्य होता है फर्स्ट जो होता है प्लस लास्ट अपॉन टू कर देते हैं पहला कितना है दो अंतिम कितना है दस दो प्लस दस बटे दो यानी बारह बटे दो आपका कितना आ जाएगा छः आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसी प्रकार के एकदम बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन आपसे यूपी थ्री प्लस सी पी टी में पूछे जाएंगे लेकिन फिर भी आप अपनी तरह से तैयार रहिए इसीलिए हम आपको जो भी एवरेज से जितने भी टाइप्स आपके पी के सलेबस में मैंसन है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सारे प्रश्नों को रखा है तो आप उस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जिस आपके क्वेश्चन के टाइप में आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है उसके आप दो तीन क्वेश्चन जाके कहीं बुक से सॉल्व कर लीजिए या फिर अगला जो हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें आपका ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे ठीक है तो अभी अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपका यूपी त्रिपालसिपेट के प्रैक्टिस सेट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपके लगातार कराए जा रहे हैं और हमारे वीडियोस भी हैं वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँच स्कूली बच्चों के पास कुल दो सौ तिरपन रुपये जेब खर्चते सात रुपये की दर से वे प्रत्येक कैंडी क्रय लेते हैं ठीक है जो कैंडी क्र क्रय होता है उसको लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि उनके पास जेब खर्च की औसत राशि कितनी बचती है पहले उनके पास दो सौ कुल खर्च थे ठीक है दो सौ कुल खर्च थे देखिए तो प्रत्येक कैंडी का मूल्य सात रुपये था प्रत्येक कैंडी का मूल्य कितना था प्रत्येक कैंडी का मूल्य आपका था सात रुपये प्रत्येक कैंडी का मूल्य था सात रुपये पाँच बच्चों द्वारा पाँच कैंडी का मूल्य कितना हो जाएगा पाँच बच्चे अगर खरीदते हैं तो सात पति सात बच्चे पैंतीस हो जाएगा यहाँ पे उसके बाद अतः उनके पास कुल शेष बची राशि कितनी बचेगी पैंतीस रुपये खर्च हो गया तो बचेगा कितना दो सौ तिरपन माइनस पैंतीस यानी कितना बच गया दो सौ अट्ठारह अब आपसे यहाँ से औसत पूछ रहा है कि पाँच बच्चे थे अब उनमें उनके पास टोटल तीन सौ तिरपन रुपये थे सात सात रुपए सब खर्चा कर दिए यानी पैंतीस रुपये खर्च कर दिए अब उनके पास टोटल पैसा कितना बचा दो सौ अट्ठारह तो इनका औसत निकाली दो सौ अट्ठारह बैठे पाँच बिल्कुल और बिल्कुल एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन इसको कहते हैं ठीक है तिरालीस दशमलव छः जीरो इनके पास रुपए बच जाएंगे ठीक है कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये आज का हमारा औसत का लास्ट क्वेश्चन है लगभग हमने इसमें हर टाइप का जो औसत का क्वेश्चन है उसको मेंशन कर दिया है जो भी आपके यूपी त्रिपेलस्सी पेट के टॉपिक में दिया हुआ है ठीक है तो आप अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका पाँच नंबर कहीं नहीं गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो यहाँ पे जो एक कक्षा में दो अनुभाग हैं अनुभाग चार में तीस विद्यार्थी अनुभाग पाँच में अनुभाग बी में बीस विद्यार्थी गणित की परीक्षा में दोनों अनुभाग का माध्य अंक चालीस है दोनों अनुभागों के प्राप्त का आ, प्राप्त कुल अंकों का अंतर होगा तो यहाँ से सबसे पहले ए में कुल विद्यार्थी कितने थे तीस तथा उनका माध्य कितना था चालीस यानी कुल विद्यार्थियों द्वारा पाया गया अंक कितना हो जाएगा यहाँ पे कुल विद्यार्थियों द्वारा पाया गया अंक हो जाएगा आपका चालीस गुड़ी तीस यानी आपका हो जाएगा एक बारह सौ ठीक है यानी अनुभाग ए सेक्शन ए में जो टोटल मार्क्स आपका पाया गया है वो कितना है बारह सौ उसके बाद अनुभाग बी में अगर आप सेक्शन बी में देखें सेक्शन बी में आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका चालीस गुड़े बीस आपका वहाँ पे जो आ, टोटल विद्यार्थी कितने हैं बीस है, है माध्य आपका चालीस है तो कितना हो जाएगा बीस गुड़े चालीस ये हो जाएगा आपका आठ सौ तो आपका टोटल कितना दोनों भागों में कुल जो प्राप्त अंतर हुआ कितना होगा पहले वाले बारह सौ पाते हैं दूसरे वाले आठ सौ पाते हैं तो अंतर कितना हो जाएगा बारह सौ माइनस आठ सौ टोटल आपका आ जाएगा चार सौ ठीक है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है तो इसी प्रकार के इजी क्वेश्चन या इसी टाइप के जो इसी इजी क्वेश्चन होंगे वहीं आपके यूपी त्रिपेल एस सी पेट में बनेंगे तो सारे प्रकार के क्वेश्चन को हमने आपको कवर करा दिया गया है अगर आपको जो भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन उसका आप कमेंट करिए आपका उसको अलग से रिप्लाई दे दिया जाएगा ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी हमारी अगली वीडियोज़ आए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद